हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से भाइयों की बाइक के साथ। आज हम पता लगाएंगे बाइक में जो उसके हाफ सेंटर होते हैं, जो उसका कटोरा होता है वो कैसे कट जाता है और कैसे सही है और कैसे गलत है बताऊंगा इस वीडियो में मैं। तो देखते रहिए हमारे साथ, अभी इसी वक्त बताएँगे वीडियो को शुरू कर रहे हैं बताने के लिए। तो हम सबसे पहले लेंगे ये कटोरा। जी हाँ दोस्तों, ये स्प्लेंडर है या फैशन, ये वैसे तो स्प्लेंडर का कटोरा है, स्प्लेंडर ओल्डर कटोरा है ये और फैशन में भी लग जाता है। तो देखिए सामने मेरे रखा हुआ है ये कटोरा, तो बताऊँगा इसको कट गया जाता है। ये यहाँ पे लगी होती है रिपीटें, तो इसके अंदर स्प्रिंग होती हैं। कई बार क्या होता है ये कट जाती हैं, लूज हो जाती हैं, तो ये हिलती हैं अंदर से। कटोरा हिलता है तो बहुत धड़कन बनती है गाड़ी में, तो ये इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो हमें इसको हिला के देखना है और सामने देखिए कैसे आपको हिला के देखना है। देखिए कट जाता है ये, यहाँ से क्यों कटता है तो आपको कि जो प्लेटें होती हैं क्लच की प्लेटें होती हैं वो ऐसे ही लगती हैं, तो ऐसे झटका लगता है क्लच छोड़ता है झटके से, तो ये इसमें टकरा गई है, इसको कटोरे को काट देती हैं, जिससे क्या होता है कटोरा हमारा ख़राब हो जाता है और ये भी ख़राब हो चुका है। तो ये एक मतलब कि एक्सपीरियंस के लिए है, ये जो कटा हुआ कटोरा मैंने बताया कि मतलब कि आपको पता चलता है कैसे कटता है। तो मेरे पास दो हब सेंटर हैं, ये दो सेंटर हैं ये मेरे पास, और देखिए ये कटा हुआ है, ये कटा हुआ नहीं है, तो मैं बताऊँगा कौन सा कटा हुआ है कौन सा नहीं है और अपना कैसे चेक करना है इसको। तो देखिए आपको ऐसे अंगूठे लगाना है इसमें और ऐसे चेक करना है, देखिए ऐसे। तो देखिए कितना कटा हुआ है आपको पता चल जाएगा, ऐसे बहुत ज़्यादा कटा हुआ है, ये कटा हुआ है। और देखिए इसको देखिए लगा के, ये देखिए पूरा प्लेन है, तो ये कटा हुआ नहीं है, तो ये सही है और जो पीछे गया वो गलत है। ये देखिए बिल्कुल ही नहीं कटा हुआ है, ये बढ़िया है ये। और इसको देखिए ये कितना कटा हुआ है, अगर आप उंगली मारते हैं इसके ऊपर ऐसे अंगूठी से उंगली से चेक कर सकते हैं, तो देखिए ये कटा हुआ है। अब देखिए चलते हैं आपकी हफ की बात में, तो हफ भी आप दोनों देखिए स्प्लेंडर दोनों हफ हैं, ये एक पुराना है एक थोड़ी नया है, देखिए कटे कैसे हैं ये। ये देख अब सामने देख रहे वीडियो आपको दिख ही रहा होगा, ये देख कितना कटा हुआ है, ये बिल्कुल प्लान है, जो प्लान है वो सही है, जो कटा हुआ है वो ख़राब है। ऐसी अपनी आ जाती है क्लच प्लेट है। जी हाँ, तो ये है प्रेशर प्लेट है, और प्रेशर प्लेटें कैसे सही होती हैं कैसे ख़राब होती है बताऊँगा अभी आपको। देखिए जो इसमें जो बिंदु बिंदु से दिख रहे हैं आपको, ये बहुत छोटे छोटे से, अगर इसके ये घिसे नहीं हैं तो ये सही है, अगर इसके घिस चुके हैं तो ये ख़राब है। दोनों तरफ से पलट के देखेंगे तो ये सही है। और प्रेशर प्लेट को क्या करना है, अपने नाखून से ऐसे खरोच के देखना है, तो खरोच गई तो थोड़ी, अगर खरोचेगी तो थोड़ी सही है, अगर नहीं खरोचती हार्ड हो जाती है तो ये ख़राब है। तो ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए, आशा करते हैं हमारी वीडियो को अच्छा।